दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी न्यूज़ है कि भारत के Su-30M के विमान कुछ नई एयर टू एयर मिसाइल्स का परीक्षण करने वाले हैं। इसके लिए एक वार्निंग भारत ने जारी कर दी है। ऐसी वार्निंग्स तब जारी की जाती हैं जब किसी एक्सपेरिमेंटल वेपन को टेस्ट करना हो। हमारे HSTDV प्रोजेक्ट के लिए भी ऐसी ही वार्निंग पहले जारी कर दी गई थी। हमारे HSTDV प्रोजेक्ट में हमने एक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया था, उसके बारे में भी हमने आपको टेस्ट से पहले ही जानकारी दे दी थी। इस बार भी ऐसी वार्निंग जारी की गई है। ये वार्निंग नोटिस टू एयरमैन है, यानी कि एरिया में उड़ने वाले विमानों के लिए एक चेतावनी है। ये वार्निंग 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के समय के लिए है। ट्विटर पर ऐसी स्पेकुलेशन लगाई गई है कि Su-30MKI नई खरीदी गई एयर टू एयर मिसाइल्स को टारगेट ड्रोन्स के अगेंस्ट टेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही ऐसी स्पेकुलेशन भी है कि ऐसा हो सकता है कि हमारी अस्त्र सीरीज़ की अस्त्र Mk2 मिसाइल को भी शायद अभी टेस्ट किया जा सकता है। इस मिसाइल में जो डुअल पल्स रॉकेट मोटर इस्तेमाल की जानी है वो हमने पहले ही डेवलप कर ली है और DRDO के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन DRDO के मुताबिक ही इस मिसाइल की टेस्टिंग में अभी कुछ समय लगेगा और अभी ये बहुत कम संभावना है कि इस मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी नई मिसाइल्स का टेस्ट किया जा सकता है। पिछले महीने Su-30MKI एयरक्राफ्ट ने फ्रेंच Mk2 मिसाइल का परीक्षण किया था। ये मिसाइल मिराज एयरक्राफ्ट और राफेल एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल की जाती है। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद रशिया से 1000 के करीब एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदी थी, जिसमें RVVSD मिसाइल और R-27 मिसाइल का R-27ET1 वेरियंट और ER-1 वेरियंट खरीदा गया था। इस टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि Su-30MKI नई खरीदी गई RVVSD मिसाइल और नई R-27ET1 मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं RVVSD मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली R-27 मिसाइल का एक एडवांस्ड वेरिएंट है। रशिया R-77 मिसाइल का R-77-1 वेरिएंट इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर के करीब है, और RVVSD R-77-1 मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। यहाँ पर आपको बता दें कि इन मिसाइल्स के बारे में हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट की वेबसाइट से ली गई है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट वो कंपनी है जो कि रशियन वेपन्स को दूसरे देशों को बेचती है। जो नॉर्मल R-77 मिसाइल है, जो कि हमारे पास पहले अवेलेबल थी, उसकी रेंज 80 किलोमीटर की थी। यहाँ पर आपको बता दें कि RVVSD मिसाइल रशिया के पास बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन इसका ऑर्डर हमने सिर्फ बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में ही दिया था। इस नई मिसाइल में R-77 मिसाइल के ऊपर कुछ अपग्रेड्स की गई हैं। इसमें मिसाइल के रडार सीकर को अपग्रेड किया गया है और बो टेल रियर सेक्शन को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे इसका ड्रैग रिड्यूस होता है। रशियन वेबसाइट के मुताबिक RVVSD मिसाइल एक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि दुश्मन के एयर टारगेट्स को एंगेज करने के लिए बनाई गई है, जिसमें फाइटर्स, अटैक एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ये किसी भी डायरेक्शन से आने वाले एयरक्राफ्ट या किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती हैं। ये दिन या रात दोनों स्थिति में काम कर सकती है और ये आपको मल्टी चैनल फायर एंड फॉरगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें इनर्शियल मिड कोर्स अपडेट की कैपेबिलिटी है और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग की कैपेबिलिटी है। मिड कोर्स अपडेट वो कैपेबिलिटी होती है जिसमें मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ही आप उसका टारगेट चेंज कर सकते हैं और उसका कोर्स चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग की कैपेबिलिटी है, जिसमें मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचने के बाद अपने खुद के सीकर के इस्तेमाल से टारगेट को पहचान सकती है और अटैक कर सकती है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर के करीब है। इस मिसाइल का वजन 190 किलोग्राम तक का है। ये एक सिंगल मोड सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है और इसमें लेज़र प्रॉक्सिमिटी टारगेट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। ये इस मिसाइल में इस्तेमाल किया गया फ्यूजिंग डिवाइस है। तो चलिए अभी R-27ET1 मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज रशियन वेबसाइट के मुताबिक 80 किलोमीटर की है। R-27 मिसाइल के बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए गए हैं। अभी हम जिस वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं वो ET-1 वेरिएंट है। ये गाइडेड मिसाइल है जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करने के लिए बनाई गई है। ये सभी तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और क्रूज मिसाइल्स को भी एंगेज कर सकती है। ये हर तरह की कंडीशन में काम कर सकती है। इसमें एक मॉड्यूलर डिज़ाइन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप इसमें अलग अलग तरह के सीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सेमी एक्टिव रडार सीकर, इंफ्रारेड या पैसिव रडार सीकर शामिल हैं।
इसके साथ ही इसके अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी रेंज को भी इंक्रीज किया गया है। इसके एक वेरिएंट में इसकी रेंज को 170 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। ये मिसाइल अपने सीकर के फील्ड ऑफ व्यू में आने वाले किसी भी अटैकिंग टारगेट को एंगेज कर सकती है और ये 3500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले किसी भी ए टारगेट को एंगेज कर सकती है। दोस्तों, बालाकोट ए स्ट्राइक के बाद हमें महसूस हुआ था कि हमारी जो ए टू एयर मिसाइल केपेबिलिटी है वो इतनी ताकतवर नहीं है, इसीलिए हमने इस केपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रशियन मिसाइल्स का ऑर्डर दिया था। उन्हीं ऑर्डर्स की एक खेप पिछले कुछ महीनों में भारत पहुंची थी, जिसके बारे में ऐसे अंदाजे लगाए गए थे कि ये शायद ऐसी सीक्रेट शिपमेंट है जो कि रशिया ने हमें भेजी है, लेकिन ये वही शिपमेंट थी जो कि हमने रशिया से ऑर्डर की थी। इस शिपमेंट में रशिया ने हमें ऐसी मिसाइल्स भेजी हैं जो कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारी ए टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी को भी काफ़ी इंक्रीज कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।